आज के हमारे चैप्टर का नाम है माय फैमिली। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। अ फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो सारे आपस में रिलेटेड होते हैं। अ फैमिली मे बी स्मॉल और लार्ज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स इट हैज़। अब फैमिली जो होती है हमारी बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। कैसे? कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट है एक फैमिली के अंदर। काइंड्स ऑफ फैमिली यानी कि हमारी फैमिलीज कितने काइंड्स की होती हैं। अ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। अब एक फैमिली जिसके अंदर सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट, अ फैमिली इन विच ईदर ऑफ द पेरेंट्स लिव विद देयर चाइल्ड और चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। अब सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? जिसके अंदर मदर या फादर में से कोई भी एक जना अपने चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ रहता है उसको हम बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट प्रेजेंट है तो वो सिंगल पेरेंट फैमिली। नेक्स्ट है, अ फैमिली इन विच मैनी मेंबर्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। अब जॉइंट फैमिली क्या होती है? जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर, और किसी किसी फैमिलीज में अंकल आंट भी रहते हैं, उनके कजन्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो होती है एक जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है, सम चिल्ड्रन मे नॉट बी लिविंग विद ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दोनों में से किसी पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। दिस मे हैपन बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। अब ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। सम चिल्ड्रन लिव इन ऑर्फनेजेस और विद अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। अब कुछ बच्चे ऑर्फनेज में रहते हैं। ऑर्फनेज होता है जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जिनके मदर या फादर नहीं होते, और या तो फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे मेंबर्स ऑफ द फैमिली के साथ रहते हैं। जैसे कोई बच्चा सपोज अपने घर ना रहकर अपने अंकल या आंट के घर रह रहा है, तो वो बच्चा वो इस कैटेगरी में आएगा। एट टाइम्स पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन दैट इज केयर फॉर चिल्ड्रन हु आर बॉर्न टू समबडी एल्स। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और उनकी केयर करते हैं, यानी कि किसी और के बच्चे को वो खुद अडॉप्ट करके अपने घर लाकर उनकी केयर करते हैं और उनको पालते हैं। नेक्स्ट है, एक्सटेंडेड फैमिली। पीपल हु आर रिलेटेड टू अस आर कॉल्ड आवर रिलेटिव्स। अब जो लोग हमारे से रिलेटेड होते हैं उनको हम रिलेटिव्स बोलते हैं। वी एड्रेस देम अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप टू अस। अब हम उन्हें उनको कैसे बुलाते हैं? जैसे उनकी रिलेशनशिप होती है हमारे, जैसे अंकल है तो अंकल को हम अंकल, आंट हो गए। अब हमारे इंडियन फैमिली में क्या होता है, चाचा चाची मौसी मौसजी, तो उनको हम कैसे बुलाते हैं कि वो किस तरीके से हमारे रिलेशन में आते हैं। टू और मोर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट और पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स। अब भाई बहन, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। जैसे कि आपके आपका कोई ब्रदर है या कोई सिस्टर है उसको हम सिबलिंग बोलते हैं। या तो वो आपके आपका रियल ब्रदर हो सकता है, रियल ब्रदर मतलब कि आपके मम्मा पापा का ही बेबी, वो आपका ब्रदर या सिस्टर होगा ना, जैसे आपका एक ब्रदर या सिस्टर है, या फिर आपके अंकल या आंट का कोई चिल्ड्रन, तो वो आपके कजन्स हो जाएंगे, पर वो भी आपके सिबलिंग्स होंगे ना। ग्रैंड पेरेंट्स आर आवर पेरेंट्स फादर एंड मदर। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? जो हमारे मदर या फादर के पेरेंट्स होते हैं उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर मदर आर आवर मेटरनल रिलेटिव। अब जो हमारी मम्मी की तरफ की फैमिली होती है, जैसे नाना नानी मामा मामी, वो सब हमारी मेटरनल रिलेटिव होते हैं। पीपल हु आर रिलेटेड टू आवर फादर आर आवर पेटरनल रिलेटिव्स। अब जो फैमिली हमारे फादर की तरफ की होती है, जैसे कि चाचा चाची हो गए, दादा दादी, तो वो हमारे पेटरनल रिलेटिव्स होते हैं।
आवर फादर्स और मदर सिस्टर इज आवर आंट. अब हमारे पापा या हमारी मम्मी की बहन हमारी आंट लगती हैं. वाइल आवर फादर्स और मदर्स ब्रदर इज आवर अंकल. और अगर हमारे फादर या हमारे मदर के जो भाई होंगे वो हमारे अंकल लगेंगे. चिल्ड्रन ऑफ आवर आंट्स एंड अंकल्स आर आवर कज़न. जो हमारे आंट और अंकल के बच्चे होंगे वो हमारे कज़न्स होते हैं. आवर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर आवर इमीडिएट फैमिली. अब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे ब्रदर्स होते हैं और जो सिस्टर्स होते हैं वो हमारी इमीडिएट फैमिली बोलते हैं उन्हें हम. आवर अंकल आंट्स अंकल्स एंड कजन्स आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली. अब जो हमारे आंट होते हैं, अंकल होते हैं और जो हमारे कजन्स होते हैं वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, यानी कि वो फैमिली बड़ी हुई है. आगे जब बढ़ जाती है फैमिली उसे हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं. नेक्स्ट है फैमिली ट्री. फैमिली ट्री शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ईच मेंबर ऑफ द फैमिली. अब जो फैमिली ट्री है, जैसे फैमिली ट्री दे रखा है, ये हमें रिलेशन दिखाएगा हमारे फैमिली मेंबर के बीच में. इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर रिलेशंस विद आवर फैमिली मेंबर्स बेटर. अब इससे हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे क्या रिलेशन है उसको अच्छे से समझ सकते हैं. फैमिली रिजेम्बलेंसेज, यानी कि अब हम लोग किन किन से मिलते जुलते हैं या हमारी फैमिली में सब एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं. हैव यू हर्ड समवन टेलिंग यू दैट योर नोज रिजेम्बल्स योर मदर्स और यू हैव कर्ली हेयर लाइक योर फादर्स. कभी आपने सुना है कि कोई आपको कहता है कि आपकी नोज या आपकी आईज या आपका फेस आपके मदर से मिलता है या आपके हेयर आपके फादर से मिलते हैं. चिल्ड्रन ऑफन रिजेंबल देयर पेरेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वन और मैनी करेक्टरिस्टिक्स. अब जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स का रिजेंबल करते हैं, यानी कि कुछ कुछ फीचर्स या कुछ कुछ चीज़ें हमारे अंदर पेरेंट्स की तरह दिखती हैं. जैसे कुछ कहते हैं ना कि आपका फेस तो आपके पेरेंट आपकी मदर की तरह है या आपका आपके जो हेयर है वो आपके फादर की तरह है, तो उसको बोलते हैं कि हम कैसे रिजेंबल कर रहे हैं, कितना हम अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं. और ये चीज़ एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती हैं. द करेक्टरिस्टिक्स विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड हेरिडिटरी ट्रेट्स. अब जो जो चीज़ें या जो करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से हमको मिलती हैं उनको हम हेरिडिटरी ट्रेट्स बोलते हैं. टू चिल्ड्रन बॉर्न टुगेदर टू द सेम मदर आर कॉल्ड ट्विन्स. अब अगर दो बच्चे एक ही मदर से बॉर्न होते हैं तो उनको हम ट्विन्स बोलते हैं. ट्विन्स हु लुक अलाइक आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स. अब जो ट्विन्स यानी कि जो बच्चे बिल्कुल सेम दिखते हैं, कभी कभी दो भाई बहन या दो भाई या दो सिस्टर एकदम सेम दिखते हैं ना, किसी के स्कूल में हो सकता है कोई बच्चा भी हो जो दोनों भाई बहन या ब्रदर्स या सिस्टर सेम दिखते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स. दे आर ऑफ द सेम जेंडर, वो सेम जेंडर के भी हो सकते हैं. नॉन आइडेंटिकल, वो सेम जेंडर के होते हैं. नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स लुक डिफरेंट एंड मे बी ऑफ डिफरेंट जेंडर. और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स यानी कि आपका कोई भाई बहन है पर आप उनकी तरह सेम नहीं दिखते, तो वो आपके नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हो गए, उनका जेंडर भी डिफरेंट होता है. हेल्पिंग फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर इन मैनी वेज. अब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं बहुत सारे तरीकों में. पेरेंट्स ऑफन हेल्प देयर चिल्ड्रन विद देयर होमवर्क एंड अदर डे टू डे एक्टिविटीज. अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मदद करते हैं होमवर्क में और रोज के काम में. चिल्ड्रन हेल्प अस इन हाउसहोल्ड टास्क लाइक सेटिंग द डिनर टेबल और कीपिंग द हाउस क्लीन. चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की या अपने घर में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि डिनर टेबल पे डिशेस सेट कर देना या फिर घर को क्लीन करने में थोड़ी सी हेल्प कर देना. चिल्ड्रन हेल्प देयर ग्रैंड पेरेंट्स बाय कैरिंग और फैचिंग थिंग्स फॉर देम. अब ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े से बुढ़े होते हैं तो उनसे चीज़ें नहीं हिल सकती हैं, वो नहीं उठा पाते, तो बच्चे उनकी हेल्प करते हैं कि वो कोई चीज़ उठाए या उनको कोई चीज़ ला कर दे. अब ये हमारे मेम्बर्स हैं फैमिली के जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे
ये जो चिल्ड्रन है, ये बच्चा है, ये अपने डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रहा है, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर रही है पौधों में पानी देने में, ये बच्चे यहाँ पर मम्मी की हेल्प कर रहे हैं डिशेस को क्लीन करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स देख लो, ये हेरिडिटरी ट्रेट्स क्या होता है, द करेक्टरिस्टिक्स विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड हेरिडिटरी ट्रेट्स। यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो विशेषताएं पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं, उनको हम बोलते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स। ट्विंस, टू चिल्ड्रन बॉन्ड टुगेदर टू द सेम मदर आर कॉल्ड ट्विंस। अब जो दो बच्चे एक ही मम्मा से, एक ही मदर से बॉर्न होते हैं, उनको हम ट्विंस बोलते हैं। अब ये हमारी समरी है। काइंड ऑफ फैमिलीज क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि न्यूक्लियर फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रन के साथ रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली में मदर या फादर में से कोई एक पेरेंट अपने बच्चों के साथ रहता है। जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं। फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली आर आवर आंट्स अंकल्स एंड कजन्स। अब जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके अंदर हमारे कौन कौन आते हैं, आंट्स अंकल और कजन्स। रिलेटिव्स फ्रॉम आवर मदर साइड आर आवर मेटरनल रिलेटिव्स। अब जो रिलेटिव्स हमारी मदर्स की तरफ से होते हैं, मदर्स फैमिली साइड से होते हैं, उनको हम मेटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं। और जो रिलेटिव्स हमारे फादर की साइड से होते हैं या फादर की फैमिली से होते हैं, उनको हम पेटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं।